काफी अनोखा एल्बम रहा, काफी हॉट शूट करवाया आपने, क्या कहना चाहेंगे? अभी ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सारा एंड अंगद की जो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वो सबको मतलब ऐसा तूफान मचाने वाली है। बिकॉज दिस वीडियो वॉज प्लान्ड लॉन्ग टाइम बैक, मतलब 15-20 दिन हो गए इस वीडियो को प्लान करके। और इसका मकसद यही था कि कुछ इस तरह का वीडियो बनाया जाए कि लोग देखकर पागल हो जाएं। और जो मकसद था वो पूरा हो रहा है, बिकॉज सारा एंड अंगद दे डूइंग अ फैंटेबुलस जॉब इन द वीडियो। और इनका जो लुक है, इनकी जो केमिस्ट्री है, दैट विल श्योरली ब्लो द ऑडियंस। आई एम 200% कॉन्फिडेंट ऑन दैट। ओके, काफी अच्छा रहा सॉन्ग, काफी हॉट इंटेंस। आई वुड लाइक टू थैंक असलम फॉर हैविंग ट्रस्ट इन अस एंड फेथ इन अस के हम वो कर पाएंगे जो वो चाह रहे थे। और असलम बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, और मैं काफ़ी टाइम से इनका काम देखती आ रही हूँ, बहुत टाइम से जुड़ना भी चाह रहे थे लेकिन कहीं कुछ ग्रह नहीं बैठ रहे थे। फाइनली ही सेड दैट दिस इज द सॉन्ग सारा एंड यू सी इट। मैंने कहा कुछ अच्छा करना है, कुछ अलग हटके, ओके विल मेक इट हॉट। एंड या एंड देन वी डिसाइडेड कि अंगद शुड बी देयर बिकॉज वी आर सुपर कंफर्टेबल एंड आवर फैंस रियली वांट टू सी अस टुगेदर। आई डिस्कस्ड विद हिम, ही सेड सुपर अमेजिंग एंड देन एवरीथिंग। कितने कंफर्टेबल रहे वाली शूटिंग बोथ ऑफ यू? बहुत कंफर्टेबल होते हैं हम लोग। कंफर्टेबल की बात ही नहीं है कि इट्स लाइक 10 इयर्स की हम लोग साथ में, शुरुआत करियर की साथ में की, करियर की शायद समझ सकते हैं, फिर दो शो साथ में किए हैं, ऊपर से अभी भी हम 2 महीने से साथ में ऑलमोस्ट शूट कर रहे हैं। पहले लाल इश्क, फिर जज्बात किया था हमने जी का भी। तो मतलब कंफर्ट की बात ही नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से इतने साल हो गए हैं, तो अभी हमें पता भी नहीं चलता हम शूट कर भी लेते हैं। ओके, आपके फिटनेस की काफी तारीफ होती है, वी हैव रेडेड इन नेशनल मीडिया आल्सो रिगार्डिंग स्पोकन अबाउट योर फिटनेस। व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग एनी टिप्स यू वांट टू गिव टू आवर व्यूअर्स? मेरी हमेशा से सबको यही एक एडवाइस होती है कि बॉडी जो है, लोग कहते हैं कि बॉडी वर्कआउट करो, जिम जाओ। मुझे लगता है कि बॉडी आपकी किचन से बनती है, तो हमेशा यू नो लाइक, और परी वहाँ है तो फिर तो पूछिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट है अच्छा खाना, और बस दैट्स इट। मेरे हिसाब से तो बॉडी अच्छी बनती है बेडरूम से, क्योंकि मुझे सोना बहुत पसंद है। नहीं, वो मुझे पता, इसलिए मैंने पॉज भी लिया। मुझे पता था कि मैं बेडरूम बोलूंगा तो इमिडिएटली सब ऐसे रहा। लेकिन देखो क्या होता है कि बोला गया है अच्छा खाना और अच्छा सोना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं वो बात कहना चाह रहा हूँ। बॉस, कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी होने वाली है, अभी आप लोगों को नहीं मालूम है इसका कैच क्या है। मतलब हम ऐसा नहीं है कि कंट्रोवर्सी चाहते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि पीपल कैन रेज देयर वॉइसेस, और मुझे पता है कि ये लोगों के पास और कोई काम नहीं है रेज वॉइस करने के लिए। एग्जैक्टली, कुछ और रेज करें तो अच्छा होगा, जैसे अपनी हाथ उंगलियां अगेंस्ट ऑल दिस। हाँ, मतलब अगर और रेज करना हाथ उंगली। हाँ, मैंने क्लियर कर रहा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आप कुछ और रेज करें, जैसे आपका स्टैंड होता है किसी गलत चीज के लिए, तो समझ में आता है हर चीज का। यार ये लोग डबल मीनिंग निकाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मस्ती पार्ट। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है मस्ती पार्ट 4 बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली मेरा मतलब बोलने का ये था, ऐसा हो रहा है कि डबल मीनिंग आ रहा है, लेकिन आई एम वेरी क्लियर फ्रॉम माय हार्ट। जैसे मैं शूट एकदम बहुत क्लियर हार्ट और माइंड के साथ कर रहा हूँ, वैसे ये स्टेटमेंट्स भी बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ कि किसी और चीज के अगेंस्ट खड़े होइए और इन सब चीजों के बारे में मत सोचिए। बस मेरा बोलने का मतलब ये था। आखिर में आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? ये वीडियो जरूर देखिए और ज़रूर इसको प्रमोट कीजिएगा, म्यूजिक लीज बनाइएगा और हम सबको भी टैग कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। संभु। कच्चा पूरा है संभु, पूरी यूनिट वेट करेंगे खड़े होके। रहने दीजिए, दूसरा कैमरा को लिया तो सफाई कर देंगे। कुछ होगा स्टेशन रास्ते में। रोटी खा जाएगा।
मूवमेंट में इसलिए नहीं दे पाएगा ना।